यमुनानगर में दो दिन पहले हुए ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने मृतक के सगे सालों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 5 लोगों में से 2 मृतक के सगे साले हैं, जिन्होंने अपनी बहन की हस्ती खेलती दुनिया को कुछ मिनटों में ही उजाड़ दिया। तो ये आपके परिवार वाले खिलाफ थे? दरअसल मृतक अभिषेक योगी ने अपनी ही कॉलोनी की निशा से लव मैरिज की थी, इसी वजह से अभिषेक के ससुराल पक्ष वाले उसे रंजिश रखते थे। 21 अप्रैल को अभिषेक अपने ताऊ की बेटी के शादी में शामिल होने के लिए यमुनानगर आया हुआ था, जहां विदाई होने के बाद अभिषेक अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ घर की तरफ रवाना हुआ। तभी रास्ते में 2 बाइक पर सवार 5 लड़के तेज धार हथियार लेकर आए और अभिषेक की निर्मम हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गए। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें दो सगे भाई हैं और दोनों ने ही अपनी बहन के लव मैरिज की का बदला लेने के लिए ये हत्या की है और यही मेन मोटिव रहा है उनका। और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, कुल 5 आरोपियों के साथ मिलकर ये हत्या की है। बाकी 2 आदमियों को और चोटें पहुँचाई हैं, जो जेल इलाज हैं। हमने इनको कल गिरफ्तार कर लिया था और आज अदालत में पेश किया, जिनके 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सर वारदात चिट्टा मंदिर के पास हनुमान कॉलोनी में हुई थी और वहीं ये जो पीड़ित है वो अपनी ताऊ की लड़की की शादी में आया हुआ था, जहां पर ये वो गाड़ी में बैठे थे और वहां पर उनको चाकू से वार करके और राउंड वगैरह से वार करके चोटें पहुँचाई हैं, जिनसे जाते वो। इस घटना के बाद से पूरी गदौली कॉलोनी में 2 दिन से मातम का माहौल है और अभिषेक की पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना होगा कि गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस क्या कुछ पूछताछ करती है और जीजा के हत्यारों को क्या सजा मिलती है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।